लय, लयकारी, तालें, इन सारी चीज़ों का रियाज जो है वो थोड़ा मुश्किल रहता है। और ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसके साथ हम रियाज कर पाएं। मेट्रोनोम के साथ तो आप लोग करते ही हैं, मगर जब लयकारियाँ होती हैं, यानी कि दो गुना होगा, चार गुना, पाँच गुना, छः गुना, तीन गुना, ऐसी लयों में पक्कापन लाने के लिए एक ऐसा रियाज कि ये वीडियो आप चला लो और उसके साथ आप गाओ या जो भी रियाज है वो करो, ये डिमांड जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की थी। तो मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी ने मुझे ये एक आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि एक ऐसा वीडियो बना दो जिसमें कि आप एक ही ताल की ठाह से लेकर आठ गुने तक की आठों लयें जो हैं वो उसमें चलती रहें और उसके साथ हम जो स्टूडेंट है वो रियाज कर सके। तो ऐसा जल्द ही एक पूरी सीरीज़ आने वाली है, ये उसी का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। छः वीडियो मैंने बनाए हैं जिसमें कि छः अलग अलग तालें हैं, दादरा, रूपक, कहरवा, झपताल, एक ताल और तीन ताल। ये छः तालें हैं जिसमें कि मैंने ठाह, दुगुन, तिगुन, चारगुन, पाँचगुन, छःगुन, सातगुन, आठगुन, ये आठ लय जो हैं उसमें मैंने पढ़ंत करी है, उनको पढ़ा है और उसका एक लूप है 15 मिनट का जिसके साथ आप रियाज कर सकते हैं। 50 BPM पे वो मैंने उसमें बोला है, पढ़ंत की है, ताकि ज़्यादा स्पीड भी नहीं है और ज़्यादा स्लो भी नहीं है। अब आपको वो वीडियोस तो मिल जाएंगे, वो प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना दी है कि डू रियाज विद दिस वीडियो, है ना, वो जो एक हमारा श्रृंखला चलती है, हमारी एक सीरीज़ चलती है कि डू रियाज विद दीज वीडियोस। इसमें हमने रियाज भी दिया हुआ है, यानी जो सवेरे हम वोकल का रियाज करते हैं वो भी हमने सीरीज़ दे रखी है उसमें, जिसके साथ आप रियाज कर सकते हैं। हमने अलंकारों के लिए भी दे रखा है कि अलंकार ये प्ले कर लीजिए और इसके साथ आप अलंकार गाइए, आपके लिए स्पेस छोड़ी गई है उसमें एक एक लाइन, वो सब तो हमने किया ही है। मगर तालों के ऊपर ये पहली बार हमने ऐसा बनाया है कि वो साथ चलती रहेंगी और उनके साथ आप रियाज कर सकते हो। तो एक ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है आपके लिए और बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए कि हमें जो रियाज करना है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं, अब बस उसके साथ ही हम रियाज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ख्याल रखने वाली बातें क्या हैं, इसीलिए मैं ये इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट वो लूप्स ही रिलीज़ कर देता। ये वीडियो इसीलिए बनाया है मैंने ताकि ये बता सकूं कि उन लयों का रियाज करने का ढंग क्या होता है। उन वीडियोस के साथ आप अगर डायरेक्ट खुद ही रियाज कर लोगे वो तो हो ही जाएगा, लेकिन किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, किन बारीकियों का आपको ध्यान रखना है वो ज़रूरी है। लय जब भी बदले, जब भी लय बदलती है, लयकारियाँ होती हैं अलग अलग, उनमें छंद होता है, एक तालों का छंद होता है, उनमें एक वज़न होता है, उनमें एक खंड होता है, उनका ख्याल रखना होता है। पढ़ंत किसे कहते हैं, पढ़ंत मतलब उच्चारण आपका वैसा होना चाहिए जिसमें कि लय दिखे, एक चाल दिखे, है ना, एक लहजा दिखे उसमें, उसमें एक टोन बनती है। जैसे अगर मैं दादरा पढ़ूंगा तो धा धिन ना, धा तिन ना, ये टोन रहेगी, ना कि दा धिन ना, धा तिन ना, ये छह मात्राएं अलग अलग नहीं बोलनी है, इसको दादरा नहीं कहेंगे। दादरा तब होगी, दादरा तब कहलाएगी जब धा और धा पे वजन आए, यानी पहले और चौथी मात्रा पे वजन आए। तो ये वजनों का ख्याल रखते हुए आपको जो है उन तालों में उन लूप्स के साथ रियाज करना है, ठीक है। अब उन लूप्स का क्या स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बता दूं, वो सब ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बस एक एक करके रिलीज़ होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अभी। ये पूरी उसकी प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा जब वो एक एक करके वीडियो रिलीज़ होंगे। मैं छः के छः वीडियोज़ एक साथ रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, एक एक करके आप उन्हें देख सकते हैं, है ना। इस महीने पूरे महीने आपको वो वीडियोज़ ही मिलेंगे और उनके साथ रियाज कीजिए, उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें आप अपने अनुसार काट भी सकते हैं, क्योंकि मैंने उनमें स्टार्टिंग में छोटे से ऐड दिए हैं और हमने कुछ गज़लें, कुछ भजन, कुछ रिकॉर्ड किए थे लाइव, तो उनका छोटा छोटा सा ग्लिम्प्स दिया है। उनके लिंक्स क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो दूसरे हमारे चैनल्स पर हैं, जो द म्यूज़िक फ्लो है या फिर म्यूज़िकल बडीज़ हैं, वहाँ जो गाने अपलोड किए हैं हमने, तो उसका एक ग्लिम्प्स, उसका एक ट्रेलर टाइप भी उन वीडियोज़ में है। तो आप चाहें तो वो पोर्शन कट कर सकते हैं उन वीडियोज़ को डाउनलोड करके, और यहाँ तक कि मैंने उन तालों की जो लयकारी है वो लिख भी रखी है स्क्रीन पर, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है कि आप उसको लिख भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, अच्छा एक मात्रा में बोल आते हैं और ऐसे वजन इसका जा रहा है। तो पढ़ंत भी की है और उसमें लिखा हुआ भी है, है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं उसकी छोटी सी एक ग्लिम्स आ रही है। धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना,
धा दिन ना धा तिन ना 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 धा है ना कि कैसे मैंने ठा दुगुन तिगुन चौगुन पांचगुन छगुन आठगुन किए, तो उसके साथ आप रियाज कीजिए। अब जो जो लय आपसे नहीं हो आप वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उनका रियाज तो करना ही है ना, कभी तो करना ही होगा, है ना। एक बार शुरुआत के लिए चलिए मान लिया कि आप ठा दुगुन चौगुन अठगुन कर रहे हैं और छः गुन तीन गुन पाँच गुन इनको स्किप कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको दोबारा भी करना है। ऐसा नहीं कि उनको आप स्किप ही कर दो कि वो तो होगा ही नहीं हमसे, ऐसा नहीं है, उनका प्रयास भी आपको करना है और वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्लेलिस्ट बनाई है और एक कुछ मेहनत करिए इस पर, तो आप लोगों का फ़ायदा हो इसीलिए की है, तो उसके साथ रियाज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें हमारे चैनल के वीडियोस, और कुछ ना कुछ मैं ऐसा ही नया लाता रहूँगा, क्योंकि नवनिर्माण ही सुंदरता होती है ना, नवीनता ही सुंदरता कहते हैं क्यों, और वही चीज़ संगीत पर भी अप्लाई होती है। अगर आप उपज का काम है आपका, नयापन कुछ ना कुछ आप देते हैं, तो वो सुंदर बना रहेगा, उसका जो सौंदर्य है उसमें जो स्पार्क है वो बना रहेगा, ठीक है। तो बस कुछ नया करते रहिए, शुक्रिया।